हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ द लास्ट सेशन ऑफ आवर चैप्टर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. एंड दिस सेशन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कोऑर्डिनेशन. आई थिंक दिस टर्म इज नॉट न्यू फॉर ऑल ऑफ यू. वी जनरली यूज देयर इज़ नो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड देयर इज़ वेरी गुड कोऑर्डिनेशन. जब भी हम कोई स्टेज पर डांस परफॉर्मेंस देखते हैं तो हम क्या कहते हैं, कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन था पूरे डांस ग्रुप का. जब भी हम किसी को स्टेज पे ग्रुप सॉन्ग में देखते हैं तो हम क्या कहते हैं, वाओ गुड कोऑर्डिनेशन, एक साथ म्यूज़िक जा रहा है. हम पैरेड देखते हैं तो उस परेड में हम क्या देखते हैं कि हर परेड में जितने लोग हैं सबके कदम से कदम मिल के चल रहे हैं. व्हाट वी से, देयर इज गुड कोऑर्डिनेशन. मीन्स कोऑर्डिनेशन इज दैट टर्म which completes a task. You can see the effect of this term in your surrounding. So actually, what is this coordination? Actually, coordination is a process by which a manager synchronizes the activities of different departments. बहुत सारे departments काम करते हैं, उन सभी departments की अलग अलग responsibilities हैं. But how to join the responsibilities of all the departments, this is done by coordination. अगर ऐसा होने लग जाए कि purchase department सिर्फ अपने purchase पे focus करे, उसे कोई मतलब नहीं है कि finance department के पास funds हैं या नहीं है, या sales department सिर्फ अपने advertisement पे focus करे irrespective कि production department ने quality क्या बनाई है, feature of products क्या लिए हैं, तो वो production किस प्रोडक्शन की एडवर्टाइजमेंट करेंगे. तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन इज दैट कॉन्सेप्ट विच इज रिक्वायर्ड टू फुलफिल टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन. अलग अलग हम सब पढ़ते हैं, बट टू कोऑर्डिनेट विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स इज कोऑर्डिनेशन. आपने अपने एग्जाम की प्रिपरेशन की, आपने एक एक चैप्टर को अलग अलग तैयार किया, बहुत अच्छी बात है. आपका जब इंडिविजुअल चैप्टर्स का टेस्ट हुआ एंड यू स्कोर फुल मार्क्स, पर जैसे ही बात आई फुल सिलेबस के टेस्ट की तो पता चला जी हम तो सब भूल गए. क्यों, कैसे भूल गए? बिकॉज आपने जब सारे चैप्टर्स को कोऑर्डिनेटेड वे में एक साथ सिंक्रोनाइज करके पढ़ने की बात आई तो आपको सब कुछ क्योस हो गया. तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन क्या है, विच इज़ अ कॉमन थ्रेड that runs through all the activities. ये हर activity में एक common चलता है. इससे हम एक example और ले सकते हैं, like garland होती है फूलों की माला, उसमें एक एक फूल अलग अलग बहुत खूबसूरत है, लेकिन when we put all the flowers in a common thread and the garland prepares, तब वो पूरी एक माला बनती है. यानी कि अगर हमें एक माला बनानी है तो हमें उन फूलों को एक थ्रेड में एक साथ डालना पड़ेगा और वो थ्रेड ब्रोकन भी नहीं होना चाहिए. तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन इज़ दैट थ्रेड विच जॉइंस ऑल द एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन. अब अगर ये नहीं हो तो क्या होगा, देखें ज़रा. ये होगा इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये अलग अलग सब, उनकी पुअर रिपोर्ट आई, उन्होंने उन्हें किक ऑफ कर दिया. स्टॉक नहीं है, परचेज डिपार्टमेंट ने परचेज ही नहीं किया, सेल्स डिपार्टमेंट कह रहे हम सेल क्या करें, इधर फाइनेंस डिपार्टमेंट का अलग ही घोटाला चल रहा है. स्टोर रूम में स्टॉक पड़ा हुआ है लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन क्या है, स्टॉक नहीं है. यहाँ पर शिपिंग हो गई है लेकिन शिपिंग वाले को ये पता ही नहीं है कि तूफान आने वाला है. प्लस यहाँ पे ये रिसेप्शन पे बेल जा रही है बट दैट पर्सन इज डूइंग सम अदर वर्क. मीन्स दे ऑल आर नॉट कोऑर्डिनेटेड, दे ऑल आर डूइंग एंड गोइंग इन देयर ओन वे. सो दिस इज द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन. दिस टाइप ऑफ क्योस कैन बी टेकन प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन. कोऑर्डिनेशन बिगिन विद द प्लानिंग, the first function of the management, planning.
प्लानिंग विच इज़ डन बाय टॉप मैनेजमेंट. देन द टॉप मैनेजमेंट डिजाइंस एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. देयर कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी बिकॉज उन्हें ये देखना है कि हमें क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं एंड हाउ वी कैन सेग्रीगेट एंड हाउ वी कैन मेक डिपार्टमेंट्स फॉर ईच एंड एवरी वर्क. And accordingly, as per the organizational structure designed to achieve the organizational structure designed to achieve the objective decided in the planning, the staffing function is to be done. The employees are recruited, they are trained. So when the employees are recruited, they get direction, they get communication, they get supervision, they get proper command in the function of direction. And what is to be done from top to this is controlled. Agar hame ye sab clear nahi hoga to hum control kiska karenge. So coordination is required to perform each and every task. So what we can say conclusively that coordination involves synchronization of the different actions or the different efforts of various units of various functions of an organization. Right? Now, what are the different characteristics of coordination? It integrates group efforts. It ensures action. It is a continuous process. It is a pervasive function. It is a responsibility of all the managers. No manager can deny for it. And a deliberate function. It has to be done. Now, we will discuss each one, one by one. First, integrates group efforts. Humne jaisa ki iske concept mein padha, this is a separate person, this is a separate person, these are the separate person, and they have to be coordinated. They have to be coordinated. So when group efforts, when individual person is doing work accordingly, coordination group all the efforts in a single objective so that the main objective can be achieved. So it integrates group efforts. It unifies all the unrelated, or we can say all the diverse interest, into purposeful work activity. Fine. Actually, it gives a common focus. It gives a common focus to group effort to ensure that performance is as it was planned and scheduled. Jo humne scheduled ki thi in the first function, that is to be going in that direction only. Then the second is, coordination ensures unity of action. Yes, they all are doing work, but there must be a unity. The hand to hand should be joined to achieve the objective. Actually, it acts as the binding force between departments and ensures that all action is aimed at achieving the goals of the organization. Actually, it secures unity of action in the way that all the organization, all the departments does work as per the common purpose only. Aisa nahi ho ki sales department sales maximization pe focus kar raha hai and finance department cost cutting pe focus kar raha hai and production department quality pe focus kar raha hai. Sabka ek common goal hona chahiye and on that basis the organization should work. Okay? Then it is a continuous process. ये कोई हमारी production नहीं है जी, हमने production की और उसकी stocking करके रख दी. No, this is not like this. जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि it starts with planning, then organizing, staffing, directing and controlling and again with the planning. This is not a one time function that you do it and keep it aside. It is a continuous process. Lagatar
एट एवरी मोमेंट, एट एवरी स्टेज, एट एवरी फंक्शन इट हैज़ टू बी डन. इट स्टार्ट्स विद प्लानिंग बट इट डजंट एंड विद कंट्रोलिंग, बिकॉज आफ्टर कंट्रोलिंग इट अगेन कम टू द प्लानिंग. फाइन. सो ऑल द डिपार्टमेंट्स हैज़ टू गो इन अ कंटिन्यूस वे. ऑल परवेसिव फंक्शन, इसे देख के कुछ याद आया? हम लोगों ने जब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की थी तो सेम एक करेक्टरिस्टिक की थी कि मैनेजमेंट इज़ अ परवेसिव फंक्शन विच इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स, एट ऑल डिपार्टमेंट्स, इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, वेदर अ पेट्रोल पम्प और अ मल्टीनेशनल कंपनी और अ स्कूल और अ डेवलप्ड कंट्री और अ डेवलपिंग कंट्री, a homemaker, a student, a small kid, everyone, a public sector, a private sector, large organization, small organization, everywhere coordination is needed. How? कैसे? एक student को coordinate किस में करना पड़ेगा? अगर एक student की एक maths की tuition है और फिर उसकी business studies की भी tuition है, या हम कह सकते हैं कि उसने कहीं पे कोचिंग ली है अपने फर्दर एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, तो दैट स्टूडेंट हैज़ टू बी कोऑर्डिनेटेड बिटवीन ऑल द क्लासेस सो दैट उसकी कोई भी क्लास मिस नहीं हो और वो सबका काम टाइम पे कर पाए. एक छोटे से बच्चे को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, मम्मी ने बोला बैठ के पढ़ाई करो और दीदी ने बोला पहले ये याद करके मुझे सुनाओ उसके बाद ये राइटिंग वर्क करना, तो उसको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा ना. एक होम मेकर को जितने भी घर में लोग हैं उनके अकॉर्डिंगली अपने सारे काम कोऑर्डिनेट करने पड़ते हैं. सो कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन. देन कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स. हम ये नहीं कह सकते कि ये तो टॉप लेवल मैनेजमेंट की ड्यूटी है. नो, अपार्ट फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल थ्री लेवल्स ऑफ मैनेजर्स. टॉप लेवल मैनेजर्स need to coordinate with their subordinates to ensure that the overall policies for the organization are duly carried out. So top level management ne yahan par kiya. Fir middle level management ke liye bhi important hai. Kaise? Because middle level management coordinates with both the top level and the first line managers. Middle level managers ko to dono ke beech mein coordination create karna hai. और जो ऑपरेशनल लेवल है यानी कि हमारा फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजरी लेवल है, उसको क्या कोऑर्डिनेट करना है? ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ इट्स वर्कर्स. व्हाई? टू एंश्योर दैट वर्क प्रोसीड्स अकॉर्डिंग टू प्लान्स. व्हाट प्लान्स? जो टॉप मैनेजमेंट ने डिसाइड किए थे उन प्लान्स के अकॉर्डिंगली क्या सारा काम चल रहा है? अगर चल रहा है देन इट्स गुड, अगर नहीं चल रहा then some actions should be taken. Fine. Then a deliberate function. Deliberate means what? जान बूझ कर. मतलब अगर willingly सभी जितने भी employees हैं वो cooperate करते हैं, coordinate करते हैं, then it's good. But अगर नहीं करते तो भी उन्हें करवाना होगा. Consciously, deliberately, it has to be done. ऐसा नहीं कर सकते कि हमने नहीं किया, हमें याद नहीं रहा. नहीं, बिकॉज अगर कोऑर्डिनेटेड वर्क नहीं होगा तो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे ही नहीं. सो अ मैनेजर हैज़ टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन अ कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट मैनर. अगर डिपार्टमेंट के मेंबर्स विलिंगली कोऑपरेट एंड वर्क करते हैं देन कोऑर्डिनेशन ऑलवेज गिव्स a direction to the willing spirit. So, अगर coordination नहीं होगा तो जितने भी हमारे resources हैं वो waste हो जाएंगे. Employees में dissatisfaction आएगा and dissatisfaction employees में आया तो उससे production पे impact आएगा. Production पे impact आएगा तो quality पे impact आएगा. Quality पे impact आएगा तो sales गड़बड़ हो जाएंगी और जो sales गड़बड़ हो गई तो profit margin कहाँ से आएगा? तो एक सर्कल है, हम उस सर्कल में फंस जाएंगे. तो कोऑर्डिनेशन इज़ द रूट ऑफ ऑल द मैनेजमेंट फंक्शंस.
तो अब ये बात समझ में आई कि कोऑर्डिनेशन इज अ थ्रेड ऑफ ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इन ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो वी कंक्लूड दिस चैप्टर बाय दिस टॉपिक. फॉर एनी क्वेरी यू कैन पुट योर क्वेरी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और मेल टू मी. थैंक यू सो मच एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू.